ધ્રીજલાલ હીરાલાલ અંબાણી 28 ડિસેમ્બર 1932 6 જુલાઈ 2002 જીને ધીરુભાઈ અંબી કહા જાતા હૈ ભારત કે એક ચિથડે સે ધની વ્યવસાયિક ટાઇકુન બનને કી કહાની જિન્હોને રિલાયન્સ ઉદ્યોગ કી સ્થાપના મુંબઈ મેં અપને ચચેરે ભાઈ કે સાથ કી કઈ લોગ અંબાણી કો અભૂતપૂર્વ ઉલ્લેખનીય વિકાસ કે લીએ અંતર્ગત પૂંજીવાદ ઓર સત્તારૂઢ રાજનીતિઓ તક ઉનકી પહોંચ કો માનતે હૈ क्योंकि ये उपलब्धियाँ अति दमनकारी व्यवसाय का वातावरण में पसंदीदा वातावरण प्राप्त की गई। लाइसेंस रात ने भारतीयों को दबाया, 1990 तक भारतीय व्यवसाय का गला घोट दिया और उन्हीं को राजनीतियों ने लाइसेंस प्रदत्त किया जो कि उनके इष्ट थे, जिसने प्रतियोगिता के कई असर नहीं छोड़े। अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस को 1977 में सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित किया और 2007 तक परिवार बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के संयुक्त धनराशि $100 अरब थी, जिसने अंबानियों को विश्व के धनी परिवार में से एक बना दिया। लाल मेवाड़ा ने बनाई जो गुजरात से थे। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़, जो कि अब भारत के गुजरात राज्य में है, चौरगढ़ में हीरा चंद गोदान भाई अंबानी और जमनाबेन के बहुत ही सम्मानीय मौत परिवार में हुआ था। यद्यपि वे गुजरात में जन्मे थे, जो कि एक सामाजिक धार्मिक समूह है संबंध रखते हैं और पहले उत्तर पश्चिमी भारत का पत्र था और विभाजन के बाद अब हिंदुस्तान की संपत्ति है। हिंदुस्तान के अधिकार में वे एक शिक्षक के दूसरे बेटे थे। कहा जाता है कि धीरूभाई अंबानी ने अपना उद्योग व्यवसाय सप्ताह में गिरनर की पहाड़ियों पर तीर्थ यात्रियों को पकड़े बेचकर किया था। पारिवारिक आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर पाए और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। जब वे 16 वर्ष के थे तो एडन यमन चले गए। आदन में उन्हें पहली नौकरी एक पेट्रोल पंप पर सहायक के रूप में की और उनकी तकनीक महज ₹300 महीने 2 साल उपरांत और बेसी और कसेल उत्तर प्रदेश के वितापक बन गए और एडन के बंदरगाह पर कंपनी के एक फिलिंग स्टेशन का प्रबंधन के लिए धीरूभाई को प्रतिनिधित किया गया।